कोरोना से ठीक होने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कोरोना के 90% मरीज घर पे इलाज करते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में सीवियरिटी में कोरोना बहुत ज्यादा रहता नहीं और घर पे रह के वो इलाज कर सकते हैं। 10% लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, या उनको कोमॉर्बिडिटी है जैसा अटैक आया हुआ था, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो हॉस्पिटलाइज होते रहते हैं, या उम्र ज्यादा है। तो अब ये लोग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो बाद में क्या करना चाहिए जरूरी है देखना। देखो, कोरोना मतलब कोई फेफड़ों की बीमारी नहीं है। कोरोना, अभी ये पता चला है कि कोरोना अपने बदन के बाकी हिस्सों पर भी इफेक्ट करता है, उसके ऊपर भी असर करता है। तो कोरोना के बाद में भी, मतलब कोरोना जब है तभी भी और बाद में भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा दर्द करना बॉडी में, स्नायु पेशी में, मांसपेशी में दर्द करना, सिर दर्द करना, थकान जल्दी महसूस होना, नींद बहुत आना, भुलक्कड़पना, या कोई चीज ख्याल में नहीं रहना, भूख नहीं लगना, और ऐसा चिड़चिड़ापन होना, या ऐसा डिप्रेशन भी कुछ लोगों को आते रहता है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द, तो कुछ लोगों को अटैक भी सडनली आया हुआ है, हार्ट अटैक आया और खत्म हो गया, कोरोना से अच्छा हो गया। कुछ लोगों को फंगस का इन्फेक्शन बाद में दिखाई दिया है। तो इसलिए घर में आने के बाद में आपने रेगुलरली हर 7वें दिन डॉक्टर की तरफ जाके अपना चेकअप करवा लेना है, नंबर एक। और नंबर दो, घर में रेगुलर एक्सरसाइज करो, भाप लो गर्म पानी की, धूम्रपान करना नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं, शराब नहीं, बिल्कुल ही नहीं लेने का है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना, नींद बराबर लेना, 7-8 घंटे नींद आना जरूरी है, पानी बहुत ज्यादा पीना, और प्रोटीन्स खाना ज्यादा। नॉन वेजिटेरियन है तो एग्ज ले सकते हैं, फिश, चिकन, मटन, और वेजिटेरियन है तो आप पनीर खा सकते हैं ज्यादा, और ये दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मतलब ये फली दाने, गुड़, मतलब ये ज्यादा मात्रा में, और हरी सब्जियां, तो इससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएंगी। आप घर में हैं तो आपने पल्स ऑक्सीमीटर से, स्पेशली हॉस्पिटलाइज होकर वापस आया हुआ है तो पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 देखना, थर्मामीटर लाके रखो, फीवर नापते रहो कि फीवर ज्यादा बढ़ रहा है क्या, और ब्लड प्रेशर का भी आप लाते हैं BP अपरेटस डिजिटल, तो वो घर में लाके रखते हैं और वो भी आप देखते हैं तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने सलाह दिया है तो एंटीकोएगुलेंट कंटिन्यू करो, एंटीफंगल, एंटीकोएगुलेंट। ये नाक में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ गड़बड़ है, या कुछ काला सा नजर आता है, या आंखों में लाली आती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास में चले जाओ, पता नहीं वो फंगल इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस अभी जो है वो उसकी शुरुआत हुई क्या मालूम नहीं है। स्पेशली हॉस्पिटलाइज पेशेंट को 2 से 3 महीने वक्त लग सकता है पूरा नॉर्मल होने के लिए, और जो घर पे ही थे उनको 14 दिन बाद में होम आइसोलेशन उन्होंने बंद करना चाहिए, मतलब आइसोलेशन अपना बंद करके मिक्स हो सकते लोगों में, मगर मास्क पहनना, 2 गज दूरी रखना, हाथ धोना, ये कंटिन्यू करना जरूरी है। ये केयर लेते हैं तो बाद में शायद प्रॉब्लम आएगा नहीं। और अभी वैक्सीन लेना, तो अभी वैक्सीन के लिए अलग अलग स्टडीज है, कोई अभी स्टडीज बाकी है कि भाई एक बार आपको कोरोना हुआ तो 6 महीने बाद में लो, कोई बोलता है 3 महीने बाद में लो, अभी पक्का रिपोर्ट्स अभी जब आएंगे एक बार कन्फर्म हो जाएगा कितने दिन बाद में वैक्सीन लेना है कोरोना के, तो हमको पता चल जाएगा कि वैक्सीन कब लेना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।